अभिवादन मित्रों, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। कल शाम को हम लोग बात नहीं कर पाए हमारे जुनेद जी से, ये आए थे लेट, उसके लिए फिर माजरत, लेकिन अब आज मिल गए हैं तो हम इनसे बात करेंगे दो मुद्दों पर। कल शाम को जो सीए का नोटिफिकेशन हुआ वो, और दूसरा जो मुद्दा है वो भी कल ही एक्चुअली हुआ आफ्टरनून में, और वो भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। वो है अग्नि 5 का परीक्षण। आप जानते होंगे अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो जिसमें मर्व टेक्नोलॉजी लगी हुई है, यानी कि बेसिकली मल्टीपल एंट्री व्हीकल होते हैं इसमें, जिसमें कम से कम 10 टारगेट्स किए जा सकते हैं, अप टू 10 टारगेट्स जो है वो किए जा सकते हैं, और उनको आप अलग अलग टारगेट्स कर सकते हैं या एक ही जगह पर भी सबको टारगेट कर सकते हैं, वो कैसे भी आप करें। एंड इट्स अ बहुत बड़ी अचीवमेंट है टेक्नोलॉजिकल। बाय द वे, इस सारे के बीच में कहीं आप ये ना भूल जाए कि ये जो मर्द किस्म की जो बनी है मिसाइल, इसको बनाने वाली जो हेड है वो एक महिला है ना, वो खातून है, तो ये एक खास पॉइंट है इसका। तो जुनेद भाई, वेलकम टू द चैनल और स्वागत है आपका। अब आपकी टिप्पणी चाहिए होगी, ये जो बहुत दिन से जिसकी अपेक्षा की जा रही थी 2019 के बाद से लगातार, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आपको याद होगा बीजेपी ने इसका वादा किया था सीएए का, और फिर बंगाल का जो असेंबली इलेक्शन हुआ था भी, वहां पर भी इसकी बात चली थी। तो बताएं इसकी बैकग्राउंड और फिर कि अब इसका महत्व क्या है इस समय पर लागू, और टाइमिंग, क्योंकि विपक्ष इस पर बात कर रहा है कि ये टाइमिंग जो है इस टाइम पर क्यों किया है इसको इम्प्लीमेंट, बताइए जी। सर, दिख की बात यह है कि लोग स्टडी नहीं करते थोरोली, और जो सीए को लेकर जो कुतर्क दिए जाते हैं उसका लॉजिक कुछ बनता नहीं है कि ये मुसलमानों के लिए क्यों नहीं है, सिर्फ हिंदू क्रिश्चियन बाकियों के लिए क्यों है, ऐसा क्या है। तो अगर आप एक बार भी गलती से पाकिस्तान चले जाए, बांग्लादेश चले जाए, तो वहां पे जो हिंदुओं का हाल है अगर आप देख ले, तो फिर आप अपनी जमीन पे आके सबसे पहले सजदा करके माफी मांगेंगे जो हमने गुनाह किए इस मिट्टी के साथ, ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे। इसके साथ अगर आप मोदी जी का 2014 का वो अर्णव गोस्वामी वाला इंटरव्यू देखे, जो बींग जब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उन्होंने दिया था, उस टाइम में ही उन्होंने क्लियर किया था कि ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें कि जो प्रवासी जो भारतीय, अगर उनको कोई दिक्कत हो, कोई किसी तरह की समस्या हो, तो वो अपने मुल्क, उनके आने का रास्ता साफ हो सके, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया में हो या फिर इंडियन भारत के अड़ोस पड़ोस के किसी देश में हो। और उन्होंने काफी सारे कंट्रीज के नाम गिनाए थे उस वक्त, जिस डिटेल के साथ मोदी जी बात कर रहे थे उस वक्त उनका होमवर्क पूरा दिख रहा था 2014 में। तो अगर अभी भी वो इंटरव्यू को अगर आपको देखे तो आपको लगेगा कि किस लेवल की सीरियसनेस थी। इसके अलावा अगर आप किसी को अगर दिक्कत है तो आप मेरे से अलग से भी डिबेट करके देख सकते हैं कि क्यों इसमें सिर्फ हिंदू और जो सिख है, बाकी जो प्रताड़ित शोषित प्रताड़ित जो तबका उसको लेना चाहिए। बाकी अगर आप इसको चाहते हैं कि इस डिबेट में अगर आप कुछ किसी और को चाहते हैं कि आप मुसलमानों को ले, तो आप बलोच को कर सकते हैं अगर भारत सरकार चाहे तो, ठीक है, क्योंकि उनके साथ भी कम प्रताड़ित नहीं हुए अगर ह्यूमैनिटेरियन एड पे जाए तो बहुत दुख की बात है कि पूरी दुनिया में जहाँ पे इजराइल अगर देख ले, तो इजराइल में जहाँ पे पूरी दुनिया में ज्यूज होते हैं उनके साथ कोई प्रताड़ना होती है तो इजराइल दुनिया में उस देश में जाके भी उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है और अपना सिटीजनशिप भी प्रोवाइड करता है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को समस्या होनी चाहिए। और अमित शाह ने भी एक इंटरव्यू में बोला था कि सीए से किसी भी भारतीय मुसलमान की नागरिकता नहीं समाप्त होगी, नहीं समाप्त होगी, नहीं समाप्त होगी, 3 बार बोला था। तो आई होप कि बिना कंट्रोवर्सी के चीजें आगे बढ़े, और ये जो टाइमिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने लास्ट मोमेंट पे एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा कि जिससे कि इलेक्शन के रिजल्ट भगवान चरण भी हो गया देखा जाए तो। और इम्पोर्टेंट ये टाइमिंग इसलिए क्योंकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट जब आ जाएगा तो ये कोड ऑफ कंडक्ट जो होगा आपका जो उस टाइम पीरियड में जब आपका राज्यपाल का शासन लगेगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो वो उसको एम्पावर करेगा, ठीक है, कि आप एक्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास एक लीगल प्रोविजन है जिसके थ्रू सीए के थ्रू आप बहुत
रैपिड वर्क में काम कर सकते हैं, और फिर इसी ग्रोथ को जब प्राइम मिनिस्टर बन के मोदी जी एज ए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करके दोबारा प्राइम मिनिस्टर के तौर पे दोबारा जब शपथ लेंगे तो उसमें एक और नई ताकत ऊर्जा झोंकेंगे। बाकी सीए है उसमें मेरी जानकारी है कि 60% से ज्यादा काम हो चुका है जो जिनमें प्रॉब्लम है जिन स्टेट्स में, और बड़े इनोवेटिव तरीके से हुआ है। तो चीजें हो रही हैं और मुझे नहीं लगता कि ये जो असामाजिक तत्व है जो बांग्लादेश से या बाकी जगह से आ रहा है, दिल्ली में, मुंबई में, भोपाल में, इन सब इलाकों में अगर आप जाए तो जो मेजर जो क्राइम एक्टिविटी होती है यही असामाजिक तत्व कर रहा होता है जो रोहिंग्या या बांग्लादेशी के तौर पे आया हुआ, तो उनका वापस जाने का रास्ता तय हो और जो सच में जो प्रताड़ित है जेन्युइन रिफ्यूजी इलीगल इमिग्रेंट, इनमें जो डिफरेंस है वो लोगों को समझना चाहिए। तो ये मेरा बेसिक टेक है। इसके अलावा आज से रमजान शुरू हो गया है तो आप सबको रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। रमजान की मुबारक। बिल्कुल बिल्कुल, वाह, रमजान की मुबारक है सबको। बिल्कुल, तमाम दोस्तों को रमजान की मुबारक, सबको यू नो सबके लिए शुभ हो। और मगर एक साथ ही आपसे बात और पूछनी थी, इसमें ये बताएं कि जो बात सवाल भी है और एक क्यूरियोसिटी भी है ये कि 2014 से ही क्यों, उसके बाद क्यों नहीं? ये अभी अभी वाला जो ड्राफ्ट है मैंने थोरोली देखा नहीं है तो मैं इसमें बहुत ज्यादा बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जो बेसिक साइनेप्सिस है उसके बेसिस पे मुझे जो पता है वो मैं बता रहा हूँ। और आज शाम से मैं बैक टू बैक भेजी था, लेकिन इस पे डिटेल चर्चा मैं करूंगा क्योंकि मेरी जानकारी अभी सीमित है इस मामले में 2024, क्योंकि मैंने ओरिजिनल ड्राफ्ट अभी तक देखा नहीं है। और उस जब ओरिजिनल ड्राफ्ट उसी जमाने में आया था 2021-22 में, उस टाइम में देखा था, तो उस वक्त की मेमोरी के हिसाब से जो मुझे याद है वो मैं बता रहा हूं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, शायद ये सवाल ऐसा है, मैं अपनी गलती भी मान लेता हूं, ये सवाल शायद ऐसा है जो शायद मैंने शरारतन पूछा है, क्योंकि वो शरारतन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज मैंने शाम को भी ये तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को ये सवाल पूछते देखा कि यू नो फॉर एग्जांपल वो थी ना जो एक महिला संगठन चलाती थी मधु मधु समथिंग, मैं एकदम से नाम भूल गया, ये जयपुर वाली क्या नाम, आप गुजरात वाली, अब ये जयपुर सलवार की बात कर रहे हैं, मैं एक सेकंड, चलिए मैं बता ही देता हूँ। वो देवर सम, उन्होंने एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया है मधु जी ने, मुझे उनका पूरा नाम एकदम से दिमाग से निकल रहा है और अभी बता देता हूँ आपको। मधुकेश्वर। तो मधुकेश्वर ने भी शाम को एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने इस सवाल का जिक्र किया है कि भाई अगर हम ऐसा ये देखना चाह रहे हैं कि धार्मिक रूप से कोई भी माइनॉरिटी, जो चाहे जो भी नॉन मुस्लिम्स हैं, जो कि हम बेसिकली ऑब्जेक्टिव है इस बिल का, तो उनका ये कहना था कि भाई आखिर उन सबको इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम फ्रेम अगर कहीं भी प्रताड़ित किया जाता है तो अल्टीमेटली वो जाएंगे कहाँ। अच्छा, उन्होंने फिर एक और सवाल उसमें उठाया है कि भाई क्रिश्चियंस के लिए हम क्यों कुछ इसके लिए परेशान हो, क्योंकि क्रिश्चियंस के लिए तो सारा यूरोप, सारा अमेरिका परेशान हो जाता है, तो उसके लिए भारत को परेशान होने की क्या जरूरत है, हम तो खाली परेशान हो उन हिंदुओं के लिए क्योंकि दुनिया में हिंदुओं को कोई पूछने वाला ही नहीं है भाई। दुनिया सब आसिया बीबी का जो केस था आपको याद होगा, आसिया बीबी अगर क्रिश्चियन नहीं होती तो वो जिंदा नहीं बचती। बेशक, बिल्कुल। तो सवाल मुझे मधुकिशोर जी का जो सवाल है वो जेन्युइन उस तरह से लगता है कि अगर हम इस बात को लेकर पसीज रहे हैं, हमारा मन पसीज रहा है कि नहीं हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए दुनिया में जहां भी गई हैं वो, तो फिर हम टाइम फ्रेम क्यों डाल लें 2014 ही क्यों? भाई अगर किसी आदमी को प्रताड़ना ही 2014 के बाद की गई है तो वो कहां जाएगा हिंदू? और दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जो हिंदुओं को लेगी आज के जमाने में? क्योंकि दुनिया में कोई भी कहेगा कि हिंदुओं का तो एक मुल्क है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, जिसे इंडिया कहते हैं, तो दरअसल हिंदुओं के लिए तो भागने की जगह नहीं है सिवा हिंदुस्तान के, है कि नहीं?
तो मेरा सवाल यह है कि ऐसे में कोई भी टाइम फ्रेम या कोई भी टाइम लाइन क्यों डाली जानी चाहिए इस तरह के बिल के लिए, एज लॉन्ग एज कि जो केस है वो जेन्युइन है। अब क्योंकि एक और डर मुझे लगता है ऐसे में जो नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए कि जो भी छोटे मोटे हिंदू बचे हों पाकिस्तान में, उनको ऐसा ही लूज 40 लाख करना शुरू के कर दे यहाँ आसपास भेजने के लिए बचे हैं, तो। बिल्कुल बिल्कुल क्वाइट पॉसिबल है। और आपको याद होगा 2005 में एक बंदा जो गुजरात में सेटल हुआ था, हिंदू था, पाकिस्तान से आया था, वो अभी रिसेंटली 6 महीने पहले पकड़ा गया था कुछ फर्जी सिम और बाकी चीजों के साथ, जो एंटी इंडिया एक्टिविटी चला रहा था। तो ये ब्लैक शिप भी आती है, नो डाउट। भाई आप ये देखिए, जब मोहाली वाला मैच हुआ था, जो जिसमें उनके प्राइम मिनिस्टर आए थे, शायद गिलानी थे, कौन थे जो हमारे यहाँ पे, अभी जो वर्ल्ड कप का मैच हुआ था 2011 वाला, तो उसमें जिन लोगों को वीजा दिया गया था उनमें सारे लोग वापस कहाँ गए? टोटल लोगों के, आपको याद हो उसका डेटा, अगर आपको याद हो तो ये खबर भी आई थी उस टाइम पे, उसमें से बहुत सारे लोग जो है वो हिंदुस्तान में गायब हो गए थे। अच्छा, आजकल ये तो हर बार पाकिस्तान से होता भागने है। का फैशन चल रहा है, कोई कनाडा भाग रहा है, तो कोई एयर होस्टेस में जो भाग रही है, तो कोई जिसको जहां चांस मिल जाए। और ऐसे सर वो ऐसे वक्त में नहीं, उस वक्त इनके मुल्क के हालात उतने खराब नहीं थे 2011 में। बिल्कुल उस वक्त जो नहीं, लोग आए थे वो प्योर दूसरी एक्टिविटी के लिए आए थे, जो बिल्कुल जो लोग गायब। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन वो आज तो नहीं है, आज तो उनकी हालत इकोनॉमिकली भी खराब है। अच्छा, तो उस सारे के बीच में एक ऐसी जगह पर आना जाना, हिंदुस्तान या पाकिस्तान में कहीं भी, भाई राशन कार्ड बनवाना मुश्किल नहीं होता, राशन कार्ड बन जाए तो आधार कार्ड बनाना मुश्किल नहीं होता, आधार कार्ड बन जाए तो पैन कार्ड बनाना मुश्किल नहीं होता, यू हैव अ चेन। और आप किसी गांव में अगर जाकर बसते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज कि पंचायत से आपको एक कागज लिखवाना है और तमाम प्रोसेस शुरू हो जाता है उसके बाद में। तो मुझे सीरियसली ये राशन लगता है, कार्ड बनवा ले, भारत में आपने राशन कार्ड बनवा लिया, बहुत बड़ा काम हो गया आपका। उसके बिल्कुल बेसिस पे आपने आधार कार्ड बनवा लिया, सब कुछ हाँ, बनवा लिया। सब कुछ बनना शुरू हो जाएगा आपका, और उन सबके बेस में आपको पासपोर्ट बन जाएगा, तो पता लगा आप पूरे हिंदुस्तानी हो गए, सारा डॉक्यूमेंटेशन आपका क्रिएट हो जाएगा। और बाय द वे, इस तरह के फ्रॉडिया काम करने वाले हिंदुस्तान में क्या ही क्या, सब कॉन्टिनेंट में एज सच आप पाएंगे कि पूरे लोगों की टीम होती है, बहुत से लोग हैं जो सारा इसी काम में, ये काम ही उनका ही होता है कि इस तरह की फेक चीजें करवाना। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि दरअसल न तो मुझे 2014 का लॉजिक समझ में आया, और फिर मैं ये भी सोच सकता हूँ कि कोई यहाँ आ ही जाए और बैकडेटेड चीजें बनानी शुरू कर दे तो आप क्या कर लोगे? भाई कोई कोई भी कह सकता है ना, राशन कार्ड में देर से बनवा रहा हूँ जी, कि अब नाम ही बदलना है उसका, किसी को किसी किसी का भी नाम बता दे कि फलाने घर में था, मैं नाम कट गया या व्हाटएवर, कल को बंदा मरा अपने साला। फैमिली में मैंने देखा है, कई लोगों को भी देखा है बिहार में स्पेशली, लोग क्या करते हैं कि माँ और एक बेटी को लेके एक अलग फैमिली बना देंगे, बाप और एक बेटे को लेके एक अलग फैमिली बना देंगे। ये मैंने जी देखा है। तो एक ही परिवार में दो फैमिली करके राशन कार्ड का बेनिफिट उठाते हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि जहाँ चार बच्चे होंगे वहां पे एक इलीगल को राशन कार्ड में इंक्लूड कर दिया, बोला ये भी हमारा ही बच्चा है। बिल्कुल। तो मेरा मेरा मतलब ये कि मुझे इन चीजों से बड़ा डर भी लगता है एक तरफ, कि जब हम इस तरह की चीजें करते हैं, और मुझे नहीं मालूम कि इसमें सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या होगा, आखिर जो कमिश्नर्स हैं या जो 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 जिनको राइट्स दिए गए हैं सिटीजनशिप सर्टिफिकेट देने के, तो वो ऑन ग्राउंड सिचुएशन को कितना गौर से देखते हैं, उनके पास टूल्स क्या है इन चीजों को देखने के? भाई वो भी लोकल पुलिस स्टेशन को बोलते हैं, लोकल पुलिस स्टेशन वाला वही है जो पासपोर्ट भी आपको देने आता है तो 100 रुपये मांगता है कि नहीं? तो और सबसे बड़ी बात, अगर हम ग्लोबली अगर लेके चलें सेक्टर आउट करके, कि चलो इसमें 1% का एरर हो सकता है, क्योंकि हर सिस्टम में कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ एरर होता है, एरर के चांसेस होते हैं। तो फिर अगर आपने 1 करोड़ लोगों को बुलाया तो आपने 1 लाख एरर क्रिएट कर दिए, और 1 लाख जो है वो सिग्निफिकेंस अमाउंट है, क्योंकि आप कोई भी सिस्टम 100% फुल प्रूफ नहीं बना सकते। कुछ तो आपको परसेंटेज कंसीडर करना पड़ेगा जिसमें कि आपके एरर के चांसेस हैं। इवन आधार कार्ड में भी, अगर अभी आज के टाइम में आधार 100% फुल प्रूफ हो चुका है, लेकिन ये शुरू में 100% फुल प्रूफ नहीं था, इसमें भी 2-3% एरर्स थे इसके सिस्टम में, जिसको इवेंचुअली ठीक किया गया।
लोगों के नाम और बाकी चीजें टैली नहीं होती थी, कोई बकरे के नाम पे आधार कार्ड बना दे रहा था, कोई भगवान हनुमान के, सर भगवान हनुमान के नाम पे किसी ने आधार कार्ड बनवा दिया था। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पे चीजें खुलेंगी। तो बेसिकली सारी बात वहां से शुरू हुई थी कि ऐसा नहीं है कि मैं मुझे अंदाजा था कि ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, और मैंने जैसे सनातन पूछा था आपसे, क्योंकि अभी शाम को कोई कुछ दिक्कत नहीं, पॉलिटिशियंस भी ये सवाल जो है पूछ रहे थे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक वही बात मधुकिशोर ने भी पूछी है, और इन चीजों के जवाब शायद या पब्लिक डोमेन में नहीं है, या दरअसल हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये नॉलेज नहीं है। तो मगर हाँ, ये प्रश्न ऐसे हैं कि जिन पर हमें सोचने की जरूरत है, और आने वाले दिनों में इस पर और ज्यादा बात होनी चाहिए कि दरअसल ये कानून है क्या, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या समस्याएं आ सकती हैं या आ रही होंगी, तो उन पे बात की जाने की जरूरत है। ये हुआ। दूसरा जो विषय था जुनैद भाई, वो है अग्निवाला, कि आज जो अग्नि अग्नि का वाला। परीक्षण हुआ है, इस पर बताएं अपनी क्या 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 आपकी टिप्पणी है। सर मेरी अगर इन्फॉर्मेशन सही है तो ये 2-2.5 साल पहले से बन के रेडी था और राइट टाइम का वेट हो रहा था, और इससे राइट टाइम हो भी नहीं सकता था। और इससे राइट टाइम इसलिए नहीं क्योंकि आज के टाइम में अगर आप देखें तो 10,000 ट्रूप का मोबिलाइजेशन टुवर्ड चाइना बॉर्डर, उसके अलावा चाइना का इंडियन ओशियन में घुसने का बहुत मेहनत से प्रयास करना, उसके अलावा अगर आप देखें तो बार बार इनके न्यूक्लियर शिपमेंट्स पकड़े जाना। हाँ, ये पहली बार नहीं है कि इनका शिपमेंट पकड़ा गया, पिछले 6 महीने में इनका 5 से 6 बार शिपमेंट ऐसा पकड़ा गया। ठीक है, ये पहली बार है जो हमने डिस्क्लोज किया कि एक पकड़ा गया, ताकि सामने वाले को भी तो मैसेज दे, भैया आप बंद करो, कितना करोगे। ठीक है, तो ये चीजें हो रही है। उसके अलावा 2 दिन पहले चाइनीज एयरफोर्स का एयरबोर्न होना अचानक से रात को, फिर वो एयरबोर्न होने के बाद से वो वापस चले जाना अपने एयरबेसिस पे, तो ये सारी चीजें अचानक हो रही थी। ऐसे में ये टेस्ट हुआ, और टेस्ट होने के बाद से जो इसके रिजल्ट्स थे, जो वीडियोस थे, तो बेसिक इंजीनियरिंग जो मेरा नॉलेज उसके बेसिस पे अगर मैं बताऊं तो जो मैंने उसके वीडियोस देखे वो बहुत ज्यादा कर्व पाथ में रोटेट कर रहे थे, क्योंकि जब वो अगर कोई मिसाइल या रॉकेट जाता है तो उसका पीछे टेल बनी होती है, और टेल का सिग्नेचर काफी टाइम तक रहता है। इवन फाइटर प्लेन भी अगर जाता है उड़ के तो उसका जो स्मोक होता है ना उससे एक टेल बनती है डीप सिग्नेचर जो कि बनाता है, काफी, बिल्कुल। हाँ वो काफी टाइम तक रहती है। तो वो जो टेल का सिग्नेचर था वो कर्व था, ओ शेप का। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि इसकी मैनेवरिलिटी जो होती है ना, जो फ्लैग जो ऐसे मूव करना इंस्टेंट, वो कितना स्मूथ है, जो कि फाइटर प्लेन जो होती है उस लेवल का है। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आने वाला टाइम थोड़ा सा देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या चीजें हो रही है, लेकिन हाँ MIRP टेक्नोलॉजी है, एक साथ 10 टारगेट को इंगेज कर सकता है, और इससे बहुत सारे लोगों को मैसेज दिया गया, और जो इसकी मैनेवरेबिलिटी है इसके वजह से उसको ट्रैक करना, उसको डॉज करना लगभग मुझे लगता है कि थोड़ा इम्पॉसिबल हो। हाँ, एक तो ये बात है, लेकिन हम इस पे इस बात को और थोड़ा अगर एक्सपेंड करें तो जुनैद भाई, आप ये देखिए, ये रफली 5,000 किलोमीटर की रेंज है इसकी। जब इसका पहला टेस्ट हुआ था, मुझे अच्छे से याद है कि उस समय पर चाइना ने ये ऑब्जेक्शन कहा किया था, और उनका कि नहीं, हिंदुस्तान कह रहा है कि इसकी 5,000 रेंज है, 5,000 किलोमीटर, लेकिन दरअसल इसकी रेंज जो है वो 8,000 किलोमीटर है। ये चाइना ने उस वक्त कहा था जब पहला टेस्ट हुआ था। अच्छा, फिर वो बात आई गई होगी, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, चाइना रो रहा है तो रोता रहे वाली बात, वो किसी ने ना हिंदुस्तान ने रिएक्ट किया उसकी टिप्पणी के ऊपर, ना दुनिया ने कोई ध्यान दिया उसके ऊपर। लेकिन आप मान सकते हैं कि अगर 5,000 भी माना जाए कि 5,000 किलोमीटर, तो आप ये देखिए कि हिंदुस्तान के किसी कॉर्नर में अगर आप लगाते हैं और उसको किसी कॉन्टिनेंट में भेजना चाहते हैं, तो वो आप यूरोप भी उनकी रेंज में आ जाता है। अगर आप वेस्टर्न बॉर्डर पर लगाते हैं, यूरोप आपका पूरा रेंज में आता है। दूसरी साइड आप लगाते हैं, अफ्रीका आपका पूरी रेंज में आता है। चाइना पाकिस्तान को तो भूल ही जाइए। तो मैं समझने की कोशिश ये कर रहा हूं कि दरअसल हिंदुस्तान 5,000 किलोमीटर की रेंज की मिजाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिजाइल लगा के, उसमें मर्व टेक्नोलॉजी लगा के 10 टारगेट एक साथ देखे, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है, थ्रेट है, मैसेजिंग है, पावर प्रोजेक्शन है। हाउ डू यू सी इट? सर अगर आपको थोड़ा सा इसको मैं दूसरे तरीके से जवाब दूं, तो अमेरिका सुपर पावर 1960 में जाके बना था,
इफ आई एम नॉट रॉन्ग 50-60 के आसपास बना था। फिर उस टाइम फ्रेम में उन्होंने जाके अपने पावरफुल इंस्टीट्यूट बनाए जिसमें डार्पा है, इसके अलावा उनका जो जो उनके एडवांस जो इंस्टीट्यूट हैं जो डिफेंस में जो कंट्रीब्यूट करते, वो उस उन्होंने सुपर पावर बनने के बाद शुरू किया था। लेकिन इसके बरस अगर भारत को देखें तो भारत में जो इस लेवल के जो इंस्टीट्यूट है, DRDO है, उसके अलावा आपका सीटेक है जो IT के फील्ड में काम करता है, और इसके अलावा DRDO से एफिलिएटेड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। कई टेक्नोलॉजी तो आपको इसरो से भी इंपोर्ट हो जाती है जो डिफेंस में इस्तेमाल हो जा सकती है। तो इस तरह के इंस्टीट्यूट हमारे पास 60-70 में ही शुरू हो गए थे। तो हमने शुरू सुपर पावर बनने से पहले ही सुपर पावर जैसी हरकतें करनी शुरू कर दी थी। दूसरी बात, अगर आप विकीपीडिया में अगर DRDO की अगर जाए तो हमारे पास इतने इंस्टीट्यूट है DRDO के, लेजर के रिलेटेड, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से रिलेटेड, ठीक है, जो टॉप नोच वीपेन प्रोग्राम्स हैं जो कि सुपर पावर जो अपने आप को मानती है वो इस तरह के प्रोग्राम्स रन करती हैं। उसके अलावा भारत के पास किसी जमाने में ऑफिशियली केमिकल वेपन्स होते थे। 2013 में जब ये सरकार जा रही थी तो उन्होंने सारे वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उन्होंने पता नहीं किस नियत से डिस्ट्रॉय किया, लेकिन मोदी एरा में दोबारा से बनाए गए, लेकिन ऑफिशियली पूरी दुनिया के लिए हमारे पास कोई केमिकल वेपन है नहीं। ठीक है, भारत के पास आज की जो वीपेन कैपेबिलिटी है वो ये है कि बहुत सारी चीजें पब्लिक में बताई नहीं गई है। काली और इस तरह की जो चीजें बताई जाती हैं ये बस कुछ नाम की है, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे भी इक्विपमेंट्स हैं जो दुनिया के कुछ देश के पास होंगे भी नहीं। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी है आज के टाइम में अगर आप देखें तो, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। आपको बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी समझ में आनी चाहिए तभी आप इस तरह के प्रोग्राम्स रन कर सकते हो। बिल्कुल। उसके अलावा लेजर की आपकी कैपेबिलिटी है। लेजर के थ्रू आप किसी भी ड्रोन को निष्क्रिय कर सकते हो, किसी भी आप मिसाइल को निष्क्रिय कर सकते हो। हैव बीन सेड दैट, ठीक है, ये जो 5000 किलोमीटर का जो प्रोग्राम है जो कि 5000 किलोमीटर एक्यूरेसी के लिए जाना जाता है कि 5000 किलोमीटर आपकी एक्यूरेट रेंज है, वहां पे आपका टारगेट मिस नहीं करेगा, उसके बाद का नहीं पता है कुछ। तो मुझे नहीं पता चाइना वाली बात कितनी सही है। तो इन सबको अगर आप कॉम्प्लेक्स जोड़ ले तो बिल्कुल ही एक मैसेजिंग की कोशिश है, क्योंकि जियोपॉलिटिकली चीजें ऐसी चेंज हो रही थी इस रीजन में और चाइनीज का बहुत ज्यादा एंट्रेंस की कोशिश हो रही थी। फिर एक ऐसी सिचुएशन बन रही थी जिसमें लग रहा था कि चाइना जो है ताइवान पे कब्जा करेगा। आज के टाइम में चाइना के पास दो टारगेट हैं जो अचीव करने हैं, एक ताइवान है और एक लद्दाख है। ठीक है, ताइवान का सिंबॉलिक वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू लद्दाख, लेकिन लद्दाख का स्ट्रैटेजिक वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू लद्दाख ताइवान। ठीक है, आपके लद्दाख से चाइना को वाटर बॉडीज मिलेंगी जिससे उनका लाइफलाइन चलेगा। ठीक है, लेकिन ताइवान से वो अपने पब्लिक कंजम्पशन के लिए बोल सकते कि देखो हमने ताइवान जीत लिया। तो ये दोनों के भंवर के बीच में फंसा चीन, तो उन्हें सही डायरेक्शन देने का काम कि भैया तुम लद्दाख की तरफ ना देखो, ताइवान की तरफ जो करना करो, हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन लद्दाख की तरफ ना देखना। तो उस मैसेजिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी ये हो सकती है। उसके अलावा 10,000 ट्रूप्स को मोबिलाईज करना, तो ये चीजें चल रही हैं ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही भी हूँ, या हो सकता है मैं पार्शियली सही भी हूँ। हाँ, खैर, तो मगर आपको ये फिर भी जो जवाब था वो नहीं मुझे लगा अभी पूरा हुआ कि दरअसल हिंदुस्तान ने ऐसा जो किया है उसके पीछे रीजन क्या है? क्या वो पावर प्रोजेक्शन है, या क्या वो क्या किसी को धमकी दी जा रही है, या मतलब कैसे है ये क्योंकि हमको इसकी जरूरत, मतलब इस रेंज की जरूरत न तो चाइना के लिए है न पाकिस्तान के लिए है, दोनों ही हमारी तमाम दूसरी मिसाइल्स के, मतलब ब्रह्मोस इज गुड इनफ, ब्रह्मोस इन सबको निपटा ले, तो फिर हमको 5000 रेंज की जरूरत क्या पड़ी? आई मीन नथिंग रॉन्ग विद इट, मैं इसको बड़ा अंडरस्टैंड इस तरह से भी समझ सकता हूँ कि वी वॉन्ट टू शो आवरसेल्व्स कि हम आने वाले समय की सुपर पावर है और उसमें पावर प्रोजेक्शन है, यू नो हम ये हमारे अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है
दैट डजंट मीन कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, जाहिर है। तो हाउ डू यू सी दैट दैट पर्टिकुलर पॉइंट? मैं इसको फिर दूसरे तरीके से रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिफेंस टेक्नोलॉजी किस तरीके से आपके लोगों के जो माइंडसेट है उसमें इम्पैक्ट डालता है, और ना सिर्फ आपके बल्कि दुश्मन के माइंडसेट के साथ भी खेलता है। आपको याद होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो उस टाइम के बाद से रूस के पास एटम बम नहीं था, तो उस टाइम में जो अमेरिका के जो पॉलिटिशियंस थे वो रशियंस को डराया धमकाया करते थे कि तुम कुछ नहीं हो, हम तुम्हें खा जाएंगे, हमने पहले भी एटम बम गिराया है, तुम्हारे ऊपर भी गिरा देंगे, ये सारी बातें होती थी। ठीक है, फिर एक दिन रशियंस ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, और उस वक्त रशियंस के पास ऐसी पेलोड ले जाने की कैपेबिलिटी नहीं थी। अगर वो प्लेन पे भी लाद के ले जाते 55-60 के आसपास तो भी वो अमेरिका तक नहीं पहुंच सकते थे। मिसाइल तो उस जमाने में पहुंच ही नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने उस टाइम में बहुत बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, और इतना बड़ा एक्सप्लोजन था कि आप अलास्का तक अर्थक्वेक आया था, वाटर के अर्थक्वेक आए थे। तो उससे उन्होंने उस पूरे जो माइंडसेट है उसको रिवर्स कर दिया। तो आज के टाइम में चीन का ये जो शी जिनपिंग है ये ना एक अलग माइंडसेट पे है, इसको लगता है ना कि ये पूरी दुनिया फतह कर लेंगे। ठीक है, तो दिक्कत क्या है कि चाइना बड़ा कंफ्यूज सा नेशन है आज के टाइम में। हालांकि पता नहीं क्यों मुझे लगता है कंफ्यूज सा नेशन है, क्योंकि अभी जो ऐसी चीजें चल रही हैं इनकी एक्टिविटी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है। ये अभी भी कंफ्यूज है कि इनको ताइवान की तरफ जाना है या लद्दाख की तरफ जाना है, ठीक है, या अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाना है। पहला अटैक इन्होंने किसे करना है, लेकिन ये अटैक जरूर करेंगे तीनों में से एक जगह पे। तो हमारा भी मैसेज देने का दायित्व बनता है कि आप कहीं भी जाएं लेकिन इधर ना आए, इधर आए तो हमारे पास ऐसी चीजें हैं कि जो MIRV का जो डेमोन्स्ट्रेशन हमने किया, जो पहले नहीं किया था, 5,000 किलोमीटर 8,000 किलोमीटर इज नॉट अ बिग थिंग, लेकिन एट प्रेजेंट जो MIRV है उसके अलावा आपकी जो डॉज करने की कैपेबिलिटी है, उसके अलावा आपके जो डिफेंस सिस्टम है उसको बाईपास करने की कैपेबिलिटी है, वो इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज अगर आप देखें तो आज के टाइम में भारत जो न्यूक्लियर ट्रायड है वो बन चुका है, 2-3 साल पहले न्यूक्लियर ट्रायड बन चुके थे। तो डिफेंसिव ऑफेंस का हमने मैसेज पोर्ट्रे किया होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ताकि चीन जो है जो अपनी हिमाकत है वो ताइवान में करनी हो तो करे, लेकिन भारत की तरफ ना करे। चलिए, तो मुझे लगता है, खैर मुझे ये आप ये आपको याद है कि ये कौन सा टेस्ट है, मतलब अग्नि 5 का ये अब से इससे पहले कितने टेस्ट हो चुके हैं इसके? सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग कम से कम 6-8 महीने टेस्ट मेरी जानकारी में जो हुए, और वो हर तरह के टेस्ट होते हैं, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, वाटर टू सरफेस, वाटर टू एयर, फिर ये जो अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है, फिर एयर टू सरफेस, तो ये अलग अलग टाइप के जो टेस्टिंग होती है वो होती है। और अलग अलग टाइप की टेस्टिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि पता चले कि अगर सपोज आपने वाटर टू एयर टेस्ट किया तो उसमें आपके वाटर प्रेशर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके अग्नि प्राइम मिसाइल पे। उस बेसिक साइंस बोले तो नट बोल्ट ढीले तो नहीं पड़ जा रहे, ठीक है, या उसकी स्पीड में इफिशियंसी में कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो देखना इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए हर फॉर्मेट का इन्होंने टेस्ट किया है। हमें लगता है कि यार एक ही चीज को कितनी बार टेस्ट करोगे, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके टेस्ट करने के फॉर्मेट अलग होते हैं, और कई बार आपके पास एक ही चीज के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, सपोज आपके पास मिसाइल का जो प्रोग्रामिंग जो होती है, जो कंट्रोलर होता है उसका, तो कंट्रोलर की भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, तो एक ही मिसाइल में अगर आपने दो अलग अलग टेक्नोलॉजी चेक कर दी हो कि दोनों में से कौन सा ज्यादा इफिशियंट है, तो हो सकता है आपके दो टेस्ट निकल गए। ठीक है, वो अल्टीमेटली मिसाइल एक है, लेकिन विद दो अलग अलग टेक्नोलॉजी का आपने टेस्ट कर लिया और फाइनल आपने एक सॉल्यूशन अचीव कर लिया कि इसमें से कौन सा ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, हमारे लिए फिजिबल रहेगा। तो ये चीज होती है। और डिफेंस की चीजों में अक्सर जो मोर इम्पोर्टेंट होती है वो आपकी रिलायबिलिटी होती है, कि टेक्नोलॉजी आपका रिलायबल है कि नहीं, टाइम टेस्टेड है कि नहीं, इसलिए इतनी सारी टेस्टिंग की जाती है। कॉस्ट बहुत लास्ट में फैक्टर आता है कंपेयर टू रिलायबिलिटी।
ओके तो मित्रों, जैसा कि आप जानते होंगे, इसकी एक और खास बात है मिसाइल की, अग्नि 5 की, जो मैं बता दूं आपको कि इसका वजन जो है वो रफली 50,000 किलोग्राम है। 50,000 किलोग्राम। अब जरा इसके डायमीटर की बात मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, उसका कारण क्या है कि मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ। जरा सोचिए, आपको क्या लगता है इस 50,000 किलोग्राम की इस मिसाइल की लंबाई कितनी होगी? जिनेद भाई कुछ अंदाजा है? सर मैंने अभी टेक्निकली इसको बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है, मुझे दोबारा रीड करना पड़ेगा। 2 मीटर की है, सिर्फ 2 मीटर की है। तो अगर 2 मीटर की है और 50,000 किलो का इसका वेट बन रहा है, आप जरा सोचिए कि कितना एमिनेशन लेके आ रही होगी। दूसरी बात, थिकनेस कितनी बड़ी होगी, जो मोटाई इसकी होगी, डायमीटर जो होगा वो कितना बड़ा होगा, क्योंकि 2 मीटर की हाइट की लेंथ में 50,000 किलो का एमिनेशन जो है वो जा रहा है। तो और जरा सोचो कि ये तो मतलब हिट करना तो छोड़िए कि फुल फोर्स में किसी जगह को हिट करें, ये तो छू भी जाए इसका कुछ माल मसाला तो यू नो अल्लाह ही मालिक। तो एनीवे, बट दैट वाज जस्ट फन पार्ट ऑफ इट। लेकिन हाँ, ये इंटरेस्टिंग है कि उसकी कितनी लेंथ है और कितना वो वजन ले रही है, तो उससे आपको ये अंदाजा होगा कि दरअसल जो इम्पैक्ट उसका होगा तो वो कितना बड़ा होगा जहां पर भी हिट करे। हालांकि ये मिसाइल कहीं किसी को हिट करने नहीं जा रही है, सिर्फ करियर है, क्योंकि जो वॉरहेड्स हैं वो इसके अंदर हैं और वो 10 हैं। तो ये बेसिकली तो एक मिसाइल अपने आप में करियर जा रही है, जो सबको सब जगह ले जाएगी, यू नो, यहां से लेके चांद तक सब जगह ले जाएगी उसको। और वो बाकी जो जो उसमें से सब मिसाइल निकलेंगे, सब सिस्टम्स निकलेंगे जो हिट कर रहे होंगे चीजों को। जस्ट टू मेक थिंग्स सिंपलर फॉर यू। तो मित्रों, ये थी दोनों सब्जेक्ट्स की थोड़ी सी जानकारी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यू नो अभी हम लोगों को भी इस पे और तैयारी की जरूरत है, लेकिन हाँ, चूंकि ये दोनों चीजें आज हुई तो एक प्रिमिटिव प्राइमरी जानकारी आपके पास पहुंची है। और आप ये यकीन रखें कि आने वाले दिनों में हम इस पर और भी चर्चा करेंगे, और बात करेंगे इस पर, फर्दर इंक्वायरी करेंगे, इंफॉर्मेशन करेंगे और इंफॉर्मेशन लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और जुनेद भाई को भी लाइक कीजिएगा। जुनेद भाई, आज के आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।